उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलें इसके लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है, जिसका नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। गाँव में भी हाईटेक लाइब्रेरी के साथ अब ग्राम पंचायतें बनने लगी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गाँव को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे गाँव में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा शुरू हो और गाँव में सहूलियत बढ़े। इसी कड़ी में अब 1 जून से लेकर 10 अगस्त के बीच एक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए ग्राम पंचायतें आवेदन कर सकते हैं। 9 ऐसे क्वेश्चन इन ग्राम पंचायतों से पूछे जाएंगे और जो सही उत्तर ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी समीक्षा की जाएगी। अगर वास्तविक स्थिति में इन ग्राम पंचायतों में बेहतर स्थिति होगी तो उनको लाखों रुपये के इनाम भी दिए जाएंगे, जिससे वे गाँव की तकदीर बदल सके। ऐसे में हमारे साथ जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव हैं। हम इनसे ही जानना चाहेंगे क्या पूरी की प्रक्रिया रहेगी और किस तरीके से ग्राम पंचायतें सम्मानित की जाएंगी। कह रहे हैं कि अब गांव की भी परीक्षा होगी, उनको नंबर मिलेंगे, पास होगा तो इनाम मिलेगा, क्या योजना है? जैसा कि आप जानते हैं कि विगत वर्षों में ग्राम पंचायतों में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, बहुत अलग अलग थीम पर भी ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, लेकिन अब एक SDG गोल सतत विकास प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं और ये पैमाना होता है कि उस गांव किस लेवल तक विकास करता है और उस विकास को कहां तक वो सस्टेन कर पाता है। तो उसके लिए कुछ बिंदु डिसाइडेड हैं। ये 9 तरह की थीम्स पे ग्राम पंचायतों को काम करना होता है और हर थीम पे नंबर डिसाइडेड होते हैं। इन 9 थीमों पे जो सबसे अच्छा काम करेगा, ये 100 नंबर का एक प्रश्नावली है जिस पे उनको खुद अपने किए गए कार्यों को डिक्लेयर करना है और उन प्राप्त अंकों के आधार पर ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमारे 5 ग्राम पंचायतें पुरस्कृत हुई थीं और इस बार भी 1 जून से इनकी पुरस्कार में प्रतिभाग करने की डेट है और 10 अगस्त तक ये कर सक 10 अगस्त तक ये फाइनल हो जाएगा, जब ये खुद पहले करेंगी स्वघोषणा। इसके बाद जनपद स्तर पर एक टीम है जो उनके मूल्यांकन को वेरिफिकेशन करेगी और जो बेस्ट गाँव 5 गांव उनको स्टेट पे भेजेगी और स्टेट लेवल के कमेटी के वेरिफिकेशन के बाद ये इस एग्ज़ाम को पास करेंगी और इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रतिष्ठित अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा। जी, इस प्रकार के 9 पैमाने हैं, महिला हितैषी, सुशासन, इस तरह की चीज़ें हैं जिन पे प्रश्नावलियाँ होंगी और ग्राम पंचायत को घोषणा करनी पड़ेगी कि हाँ हमने इसमें इतना काम किया है, जो ऑनलाइन इसमें इनको भरना पड़ता है और ऑनलाइन उनको नंबर भी मिल जाते हैं हर ब्लॉक। मैम कितनी इनाम राशि मिलेगी अगर ये पास होते हैं? ये फर्स्ट प्राइज़ 12 लाख है, सेकंड प्राइज़ 10 लाख है, फिर 8 लाख है, 7 लाख है, 5 लाख है।